नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान ने हिंद महासागर में किया क्रूज मिसाइल बाबर 3 का सफल परीक्षण। 450 किलोमीटर की है मारक क्षमता। आईएसपीआर के निदेशक मेजर जनरल आसिफ गफूर ने की पुष्टि। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर होंगे व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार। 36 वर्षीय बिजनेसमैन कुशनर ट्रंप प्रशासन के सबसे कम उम्र के होंगे सदस्य। चीफ ऑफ स्टाफ रेंस ब्रिबस और प्रमुख रणनीतिज्ञ स्टीव बेनन के साथ मिलकर करेंगे काम। अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों ने राष्ट्रपति चुनाव में रूस के हस्तक्षेप के लिए उठाई स्वतंत्र जांच की मांग। आयोग में नहीं होने चाहिए कांग्रेस के सदस्य। लोकतंत्र की रक्षा अधिनियम के तहत 12 सदस्यीय आयोग का होगा गठन। मिस्र के अल अरीश शहर के सिक्योरिटी चेक पर आत्मघाती हमला। 9 पुलिसकर्मियों की मौत, 14 से ज्यादा जख्मी। हमले के लिए आतंकियों ने कचरे से भरे ट्रक का किया इस्तेमाल। रोम के कैथोलिक चर्च में पोप फ्रांसिस ने राजनयिक दूतों को किया संबोधित। अपने भाषण में शांति का मार्ग अपनाने का किया आग्रह। कहा ईश्वर के नाम पर हत्या को खारिज करें धर्मगुरु। और क्यूबा में पूर्व खुफिया प्रमुख जूलियो सीजर गंदारी ला बने गृह मंत्री। पूर्व गृह मंत्री फर्नांडिस गोडिन के निधन के बाद गंदारी ला ने संभाली जिम्मेदारी। कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल असेंबली के सदस्य हैं गंदारी ला। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।